हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल आज हर घर में खाना पकाने के लिए किया जाता है। अमीर से लेकर गरीब तक के लोगों ने आज पुराना चूल्हा छोड़ एलपीजी सिलेंडर को अपना लिया है। एलपीजी सिलेंडर की मांग और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज होने के कारण सरकार के जरिए एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जाती है। इस सब्सिडी के जरिए लोगों को गैस सिलेंडर पर थोड़ी छूट मिल जाती है। मसलन सरकार को जितने दाम में एक गैस सिलेंडर मिलता है, सरकार जनता को वो गैस सिलेंडर करीब आधे दाम में मुहैया करवाती है और आधे दाम खुद वहन करती है। जो रकम सरकार खुद वहन करती है उसे ही सब्सिडी कहते हैं। वर्तमान में गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लेने के लिए एक अलग नियम है। नियम ये है कि जब आप गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो आपको सिलेंडर की मूल रकम चुकानी होती है, जिसके बाद सब्सिडी की रकम आपके बैंक के खाते में आती है। यानी कि कोई सिलेंडर अगर 900 रुपए का है तो आपको पहले 900 ही चुकाने होंगे और बाद में सरकार के जरिए आधे रुपए यानी 450 रुपए आपके बैंक खाते में डालकर आपको सब्सिडी दे दी जाती है। दरअसल एक खबर चल रही है कि सरकार अब आपके खाते में सीधे सब्सिडी रकम नहीं डालेगी। ये सब्सिडी कंपनियों को दी जाएगी और ग्राहकों को पुराने तरीके से सस्ते सिलेंडर मिलेंगे। अभी लोग बाजार दर पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदते हैं और सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में जाती है। सच्चाई ये है कि एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी की मौजूदा प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। सरकार के जरिए भी ये बात साफ कर दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि लोगों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में सब्सिडी जानी जारी रहेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।